एक खबर आपको बताते हैं, घोषणा पत्र पर पीएम मोदी के आरोप को लेकर अब राहुल गांधी ने जवाब दिया है। राहुल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को क्रांतिकारी बताया। उन्होंने कहा है कि हमारे घोषणा पत्र से मोदी हिल गए हैं, घोषणा पत्र को लेकर मोदी पैनिक हो गए हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, जैसे हमारी सरकार आएगी सबसे पहले जातिगत जनगणना होगी। नरेंद्र मोदी जी, आपने ही कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है, उसमें एक्सरे है और उसमें जो इनकम इनइक्वालिटी नरेंद्र मोदी जी ने की है, जो 22 लोगों को उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किया, थोड़ा सा पैसा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो वापस 90% को देने जा रही है, थोड़ा सा। दिल्ली के जवाहर भवन में राहुल गांधी बोल रहे थे। राहुल ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो उन्हें नॉन सीरियस बोलते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, मुझे नॉन सीरियस कहा जाता है, लोग कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्या मनरेगा नॉन सीरियस है? क्या भट्टा परसौल नॉन सीरियस है? उनके लिए अमिताभ बच्चन सीरियस, ऐश्वर्या राय और विराट कोहली सीरियस हैं। कुल मिलाकर राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे थे उन लोगों पर जो उन्हें नॉन सीरियस कहते हैं, कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और विराट कोहली अगर सीरियस हो सकते हैं तो फिर राहुल गांधी को नॉन सीरियस कैसे लिया जा सकता है? मीडिया में मेरे बारे में कहते हैं कैसे थे? कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन सीरियस है। आपने देखा होगा मीडिया में 24 घंटा नॉन सीरियस, नॉन सीरियस, नॉन सीरियस। मनरेगा नॉन सीरियस, जमीन अधिकरण बिल नॉन सीरियस, न्यामगिरी नॉन सीरियस, भट्टा परसौल नॉन सीरियस, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली सीरियस। मतलब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, मान लीजिए यह कमरा है, इसमें 1000 लोग बैठे हैं, 1000 लोग में से आप यहां पे 20 लोगों को हेडफोन दे दीजिए और माइक्रोफोन दे दीजिए और वो 20 लोग 24 घंटा चर्चा कर रहे हैं और 990 लोग यहां बैठे हुए हैं, उनकी ना कोई बात सुनता है, ना उनके पास लाउडस्पीकर, ना उनके पास माइक्रोफोन हेडफोन, वो देखते रह जाते हैं और जब भी कोई 90% की बात करता है तो वो नॉन सीरियस हो जाता है।